अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब प्लीज मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की इसकी तरफ। रिस्क टेकिंग नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी हमें मिलेगी इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स को जब हम बात करेंगे, ऑपोजिशनल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे वहाँ पे। अब रिस्क टेकिंग है क्या? ये कि एक इंसान डेंजरस और रिस्की सिचुएशंस में या फिर ऐसी चीज़ें जो कि उसके लिए डैमेजिंग हों, सेल्फ डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हों, उन पे पार्टिसिपेट करता है या उनके साथ इंगेज होता है, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या उनके साथ इंगेज होता है। अब ये अननेसेसरीली और विदाउट द रिगार्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के वो ये नहीं सोचता कि इसका इंजाम कैसे होगा। लाइक वन विलिंग, अब वन विलिंग जोन से है वो रिस्क टेकिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचेगा कि इसके क्या हो सकते हैं। अक्सर अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है वन विलिंग की वजह से गर्दन टूट गई, वन व्हीलिंग की वजह से बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उस बंदे की टांग घुस गई, वो ज़ख्मी हो गई, वो फलानी जगह गिर गया, वो ये हो गया, वो हो गया। तो हम कॉन्सिक्वेंसेस स्टिल नहीं सोच रहे, स्टिल हम लोग अपने आप को सेल्फ डैमेजिंग और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में और रिस्की सिचुएशंस में डाल रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस की जान जाना एक इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ कंसर्न्स फॉर वंस लिमिटेशन, कि हम अपनी और दूसरों की लिमिटेशंस के बारे में ख्याल ही नहीं करते कि दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है मेरे इस एक्ट से या मुझे कितना भरा नुकसान पहुंच सकता है। हम इस चीज़ को कंसर्न ही नहीं करते, हमारा मसला ही नहीं है भाई। उसके अलावा फिर डिनायल ऑफ द रियलिटी ऑफ पर्सनल डेंजर, रेकलेसनेस, रेकलेस परसुएट ऑफ गोल्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। वही चीज़ जो मैंने वन विलिंग की आपको एग्जांपल दी कि वो इंसान पोटेंशियल डेंजर्स को डिनाई कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये तो बस खबरों में होता है, गर्दन टूट गई या ऐसे हो गया या वैसे हो गया, असल में नहीं ये होता। अक्सर इस तरह के पेशेंट, इस तरह के बंदे जो कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होते हैं जिनमें वो यही एक एक्सक्यूज़ देते हैं और कि वो डिनाइल एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं मुझे आता, वो तो जिनको नहीं आता उनके लिए है, नहीं नहीं ये चीज़ ये नहीं है बल्कि ये ऐसे है, इस तरह ना वो डिनाइल में होंगे। वो लोग बस अपने गोल को कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर उन्हें कह दिया दे वो ना डू वन विलिंग दे विल डू, उन्हें नहीं देखना इसमें कितना लेवल ऑफ रिस्क ड्यू टू ट्रैफिक या ड्यू टू अदर एस्पेक्ट्स कि कौन से लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व हैं कि मैं भी एक्सीडेंट होके आगे बाएं दाएं वाले किसी दूसरे बंदे को चोट लग जाए, वो नहीं सोचेंगे। उन्हें दूसरों की लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस का नहीं ध्यान रखना, उनको खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें इस चीज़ को भी नहीं देखना। दे जस्ट वॉन्ट टू डू टू गेट थ्रिल, अपनी लाइफ का वो थ्रिल सेटिस्फाई करने के लिए वो रिस्की बिहेवियर करेंगे। मैं किसी को टाउंट नहीं कर रही क्योंकि मुझे आता है कि आप टाउंट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, मैं बस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। फिर भी कोई चीज़ जो सी रह गई है तो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स एंड डिस्कस इट विद मी। और उसके अलावा कोई भी गलती है तो माज़रत। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।